हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति लाइफ इन नेचर चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको, पहले तो मैंने वीडियो डाला था पूरे फार्म हाउस का, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बंगलों में कितने रूम हैं, कैसे हैं, वो सब आपको दिखाने जा रही हूँ। लेकिन वो एंट्री गेट से ही आपको सब दिखाऊँगी, तो आप मेरे साथ आ सकते हो। आपको मैं सब दिखाना चाहती हूँ। मेन एंट्री गेट है, और कहते हैं कि अगर एंट्री गेट में भगवान गणपति की मूर्ति लगाना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे जो प्लांट है, जो पेड़ है, ये जासूस का ही है। जो एक फूल भगवान को चढ़ाते हैं तो इतना खुश होते हैं। हमने एंट्री गेट पे ही पूरा पेड़ लगा दिया है, तो सोचो भगवान कितने खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे ये हमारा आम का पेड़ है। यहाँ पे जब हमारा फंक्शन होता है, पार्टी होती है, कुछ भी होता है, हम लोग यहाँ आते खाना यहाँ पे ही रखते थे। ये हमारी स्पेशल जगह है जहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं। ये आगे हमने पेड़ मजेदार है, क्या बताऊँ आपको, इसमें बैठने की कुछ मजा ही कुछ और है। जो भी आते हैं पहले इधर ही बैठ जाते हैं। आप देख सकते हो अभी हमारा बंगलो का एंट्री गेट आ रहा है, और एंट्री गेट के बाहर भी हम लोगों ने कितने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये देख सकते हो ये पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इसमें है ना, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये देख सकते हो हमारे छोटे छोटे पंछी, पहले ये हमारे सिटी में थे, हमारे घर पे थे, लेकिन हमको लगा कि नेचर के पास ही ज्यादा अच्छे रहेंगे, तो उसको हम यहीं पे लेके आ गए। और यहाँ ये इतने खुश है, देखो उसकी आवाज सुन के ही हमें अच्छा लगता है। ये हमारे घर का बंगलो का एंट्री गेट है, हम अभी लिविंग एरिया में एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ लिविंग एरिया भी इतना बिग साइज है। और ये आप देख सकते हो पहले के जमाने में ये ऐसे सामान रखने के लिए बनाते थे, और एक ही कबाट रखते थे, अभी पूरा कबाट से बन जाता है। लेकिन इसमें आप कितने सामान रख सकते हो, और इसको हमने वैसा का वैसा ही रखा है, जैसे गांव में दिखना चाहिए वैसा ही रखा है, उसको निकाला नहीं है। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है इसी से है, इसलिए इसको इस तरह ही रखा है। अगर आप आगे आ सकते हो तो ये मूर्ति है, इतने प्यारे लगते हैं, सजाने का भी इतना मजा है, वो देखने में भी हमारी आंखों को सुकून मिल जाता है। अब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक और रूम है, नीचे हॉल में लिविंग एरिया में एक और बेडरूम है। ये बेडरूम अभी खाली है, इसमें कुछ किया नहीं है हमने, हम सोच रहे इसमें फर्नीचर बनाने के। इधर भी देखो आप, यहाँ भी सामान रखने के लिए हमने वैसा ही रखा है जैसे गांव में होता है, उसको हमको बदलना ही नहीं है, जो चीज वैसी है वैसी ही रखनी। ये पूरा पारसी का बंगलो हम लोगों ने 2010 में लिया था उसको, ये पारसी का बंगलो है, और हम लोगों ने ऐसे गांव की तरह ही रखा है, पारसी लोग ऐसे ही बंगलो बनाते हैं। ये हमारे डाइनिंग एरिया है, ये 8 चेयर का डाइनिंग एरिया है, अगर इसमें 5 या 10 लोग भी बैठ जाए तो वो टूटता नहीं है, क्योंकि पूरा साफ से बना है, और कितने सालों के पैसा ही पैसा है, कोई भी कीड़ा नहीं लगता इसमें, बस इसकी यही खासियत है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता। और कितने सारे लोग आते हैं तो यहाँ पे 8 लोग तो एडजस्ट हो जाते हैं, खाने बैठ सकते हैं। ये यहाँ पे भी हमने मोर पीस रखा हुआ है, और ये एक हमारा स्टोर रूम एरिया है जिसमें हम सब साथ में आते हैं, पार्टी करते हैं, तो सब सामान रख के जाते हैं हम लोग, इसलिए इसको लॉक रखा हुआ है। ये हमारा डाइनिंग एरिया आप देखोगे इतना प्यारा लग रहा है, यहाँ से क्या बताऊ, यहाँ बैठ के खाने की मजा ही कुछ है, क्योंकि यहाँ बैठ के पूरा माउंटेन व्यू मिलता है, और ये नजारा तो देखने लायक होता है, खाते जाओ माउंटेन देखते जाओ, जो माउंटेन व्यू का नजारा है यहाँ से बैठ के खाना भी लगता है कि ऐसे ही हमारे अंदर शरीर के अंदर चला जाएगा, देखते रहो खाते रहो बस। ये हमारा किचन एरिया है, किचन एरिया में भी आप देख सकते हो ऐसा ही हम लोगों ने सामान रखने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ से स्विच बोर्ड ऑन करती हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो यहाँ से ये विंडो दिया हुआ है, किचन भी इतना बड़ा एरिया है, बिग साइज किचन है, यहाँ से आप सामने के बंगलों का व्यू देख सकते हो, बाहर जो ग्रीनरी है वो भी देख सकते हो, खाना पकाते समय भी आपको ऐसे ग्रीनरी का एहसास होगा,
बोरिंग नहीं लगेगा। इतना भी रात को 12 बजे भी आके हम लोग खाना पकाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब सिटी से आती हूँ रात को बोलेंगे तो रात को भी खाना पका देती हूँ। ये हमारा किचन एरिया है, ये किचन एरिया में एक दूसरी खिड़की है, यहाँ से भी सामने नजारा दिख सकता है, सामने का बंगलो दिख सकता है। यहाँ सब सामान रखा हुआ है हमने, फिल्टर फ्रिज सब कुछ रखा है कि अगर कोई बाय चांस आ जाए तो उसको जैसे जिंदगी में चाहिए वो तो रखना पड़ेगा, गांव में है लेकिन जो चाहिए वो चाहिए हमको। ये स्टॉव भी रखा हुआ है, थोड़े बर्तन भी रखे हुए हैं, यहाँ सब हमने थोड़ा सजाया हुआ है बनी बनी सब। और ये देखो आप देख सकते हो यहाँ भी विंडो है, यहाँ विंडो से माउंटेन भी दिख रहा है, पूरा माउंटेन दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो खाना बनाने की तो मजा ही कुछ और है भाई। ऐसे थोड़ी है कि घर बंद कमरे में खाना बनाना है, गांव में खाना बनाने का भी मजा कुछ और है, क्योंकि गांव में जगह ही इतनी होती है। सिटी में जाओ एक हॉल और एरिया में हमें खाना पका के रख देना होता है, इसलिए बोरिंग हो जाती है सब लेडीज। और ये हमारा पीछे का एरिया है, यहाँ हम जब फंक्शन करते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं, सब बैठ के खाना खाते हैं। अभी जब हमारा होली का त्यौहार था हम लोगों ने यहाँ ही एंजॉय किया था, पानी से, पूरा पानी से, स्विमिंग पूल नहीं है लेकिन हम लोगों ने पानी से बहुत। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा माउंटेन दिख रहा है आपको, पीछे से भी माउंटेन दिख रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से माउंटेन नहीं दिख रहा, सराउंड माउंटेन है। तो हमको सबको यहाँ इतना अच्छा लगता है, पीछे के एरिया में भी लगता है कि शाम को आके बस बैठ जाए, कुछ ना करे, बस इधर बैठे रहे, देखते रहे, चिड़ियों का आवाज़ सुनते रहे, पंछी का आवाज़ सुनते रहे, उसको देखते रहे। आपने नीचे का ग्राउंड फ्लोर देखा, गांव में इतनी बड़ी जगह होती है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ही सब खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस होता है। अगर सिटी में जाओ तो ऊपर 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 रूम देना पड़ता है पार्किंग से, दो रूम ऊपर, उसके ऊपर रूम, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा पूरा एरिया कवर हो जाता है। आप देख सकते हो अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाऊंगी, और आप देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ भी गांव में ऐसे होते हैं कि बाहर से ही सीढ़ियों का होता है, और वहाँ से ही आप ऊपर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हॉल में से ही आपको ऊपर जाना, क्योंकि स्पेस ही इतना है तो ऐसे ही बनाया हुआ है, यही तो गांव की खासियत है। आप आ सकते हो मेरे साथ, मैं आपको ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का जो डिज़ाइन है वो सब आपको दिखाऊँगी, जो रूम है, जो कमरे हैं वो सब दिखाऊँगी। और सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको पूरा अच्छा लोकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सराउंड में माउंटेन ही है। ये पूरा नारियली का पेड़ है, यहाँ आम का पेड़ है, और ये हमारे घर जो संभालते वो लोग रहते हैं उसकी जगह है। ये आप सामने पेड़ देख रहे हो, वो आम के साथ जो आचार बनाते हैं उसमें जो गुंदा डालते हैं उसका पेड़ है, और ये पपीते का पेड़ है। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये एंट्री है हमारी फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर में आप आओगे तो लगता है जैसे कोई गुफा में जा रहे हो, कोई हवेली है उसकी गुफा है, पहाड़ है उसकी गुफा में जा रहे हो। आप देख सकते हो हमने यहाँ भी ग्रीन प्लांटेशन लगाए हुए हैं, और यहाँ यहाँ खड़े रह के यहाँ का माहौल देखने का मजा ही कुछ और है, क्या ग्रीनरी है, ऐसा लगता है कि शाम को खड़े रह रहे कि देखते ही रहे यहाँ पे, इतना अच्छा लगता है, यहाँ इतनी खुशी मिलती है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो आम के पेड़ है, आम कितने लगे हुए, ये केसर कैरी के आम है, केसर आम है, और ये इतना मीठा रहता है, ये जो भगवान को चढ़ाते हैं गणपति को, ये जासूस के फूल है। ये फ्लावर ऊपर तक आ गए, पेड़ देखो ऊपर तक आ गए हैं, ये भी प्लांट जैसे पूरा बेल लगता है ये लगेगा ऐसा, ये भी हमने इतना छोटा सा लगाया था लेकिन देखो इतना बढ़ गया है अभी, इसको भी हमने इतना छोटा सा ही लगाया था लेकिन देखो ये अंदर ही बढ़ता है, बाहर धूप में नहीं होता है प्लांट, इसलिए इसको अंदर ही रखा हुआ है। और यहाँ भी हम लोगों ने एक झूला रखा हुआ है, आप देख सकते हो ये झूले पे झूलने का मजा ही कुछ और है। यहाँ से पूरा जहाँ से एंट्री गए थे वहां का पूरा रोड का माहौल दिखता है हमें, यहाँ बैठे बैठे ही पता चल जाता है कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, रोड का भी पूरा नजारा है। और यहाँ झूले पे बैठ के झूला खाने की मजा ही कुछ और है, हम लोग तो सुबह उठते ही इधर ही बैठते हैं, मेरी बेटी जब आती है इधर बैठ के गाना सुनती है, सुबह 5 बजे उठ जाती है, घर पे बोलो तो 12 बजे तक वो उसकी नींद नहीं खुलती है, जब वैकेशन होता है तो उठती ही नहीं है, स्कूल में जाती है तो उठ जाती है, लेकिन यहाँ आती है पूरे 5 बजे यहाँ का माहौल देखती है, सुबह का जो मौसम होता है वो सब देखती है।
आप देख सकते हो यहाँ ये नीचे से पौधा ऊपर तक आया हुआ है, और ये पौधा भी हमने लगाया है, और यहाँ पूरी गैलरी में आप घूम सकते हो, पूरी गैलरी है, पूरी गैलरी में जा सकते हो। यहाँ देखो ये पीले पीले फ्लावर, इतने अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं, निकल गया मेरे हाथ से ये तो। और यहाँ सामने का बंगलो, सामने का सनसेट पॉइंट भी अभी इस टाइम पे दिख रहा है आपको, और ये गैलरी पूरा खुला है, आप पीछे तक यहाँ से घूम सकते हो। देखो आप यहाँ से घूम के पीछे तक आप जा सकते हो, और यहाँ से पूरा दिखाई देता है, बैक व्यू दिखाई देता है आपको यहाँ से पूरा। ये जो पौधा है, जो फ्लावर है, वो यहाँ तक फ्लावर आया हुआ है, आप देख सकते हो। सामने बंगला भी दिख रहा है, सब पौधे भी दिख रहे हैं, ये फ्लावर आप देख रहे हो कितने प्यारे हैं, वो ऊपर तक आया हुआ है। हम लोगों ने सोचा है उसको टेरेस तक लेके जाए, और पूरा दूर से भी पूरा बंगलो भी पूरा ग्रीनरी से भर जाए। आप देखते हो यहाँ से भी माउंटेन व्यू दिख रहा है हमको, यहाँ सब पौधे, सब कहाँ भी जाओ सही जगह पे, सब भी जगह पे आपको माउंटेन दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, पंछियाँ दिखेंगे। आप देख सकते हो अभी हम लोग अंदर जाएंगे रूम में, और आपको रूम का भी वो नज़ारा दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि रूम का नज़ारा देखने लायक बात नहीं होती, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, वहाँ से खिड़की से माउंटेन दिखता है, सब जगह से माउंटेन दिखता है, तो फिर उसका भी नज़ारा तो कुछ और ही होगा ना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये पूरा गैलरी वाला एरिया है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे, और यहाँ गांव में क्या होता है, गांव में इतनी जगह होती है, इसलिए यहाँ पूरा बड़ा लिविंग एरिया भी फर्स्ट फ्लोर पे भी है। फर्स्ट फ्लोर पे आप ये एरिया में आ सकते हो, यहाँ ये पूरा हॉल है, यहाँ ये लिविंग एरिया है, यहाँ बैठ के हम कुछ भी अगर गेम खेलना है, बैठना है, कुछ पार्टी करनी है, कर सकते हो आप यहाँ पे आके। ये पूरा हम लोगों ने सजाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जगह इतनी है तो फिर ऐसे ही करते रहते हैं ना, यहाँ पे तो बैठने का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ आएंगे तो ये इसका पहला रूम है, आप देख सकते हो ये कमरा, ये छोटा सा रूम है लेकिन रहने के लिए काफी है, 5-6 लोग तो आराम से रह सकते हैं यहाँ। ये गद्दे रखे हुए, अगर कोई एक्स्ट्रा आता है, कोई पार्टी होती है, कोई रिलेशन वाले आते हैं, तो उसके लिए सब रखा हुआ है। 25-30 लोगों के लिए तो हमारे पास रखने के लिए जगह है, गद्दे है, सब है। ये एरिया पूरा इतना छोटा भी नहीं है कि कोई नहीं आ सकता, 8-10 लोग तो आ ही सकते। ये हमारा दूसरा रूम है, ये दूसरा कमरा है, ये कमरा थोड़ा स्पेस में बड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ भी एक खिड़की दिया हुआ है, अगर हमारे पास एसी भी नहीं है तो भी हम रह सकते हैं यहाँ, पूरा खुला है। यहाँ से सामने का बंगले का व्यू मिलता है आपको, ये पूरा बेड है, यहाँ 10-15 लोग तो आ सकते हैं, हम लोग रह सकते हैं इतना आगे। यहाँ दूसरा एक खिड़की वाला एरिया है, तो हवा आती जाती रहती है, ऐसा नहीं कि एक है, आउट इन के लिए सब दिया हुआ है। एक मिरर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी माउंटेन व्यू दिखता है। जब आप बेड से खड़े होते हो, सुबह उठते हो, बिस्तर से खड़े होते हो, तो पूरा आपको माउंटेन ही देखने को मिलता है, ये तो कोई नजारा ही कुछ और है ना। और ये पूरा बाथरूम एरिया है यहाँ का, बाथरूम भी यहाँ का अच्छा बनाया हुआ है, ये अटैच बाथरूम है हमारा, आप देख सकते हो। ये हमारा तीसरा रूम है, यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे दो रूम एसी है, दो रूम में एसी है, एक बेडरूम अटैच है, एक बेडरूम में एसी नहीं है, लेकिन वो भी लगाने का प्लान ही नहीं है। बड़ा लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में इतने सारे एसी चाहिए, क्योंकि ऊपर तक उसकी देखो हाइट कितनी है। यहाँ भी हम कूलर का बनाने के लिए सोच रहे हैं, वो प्लानिंग हमारा चल रहा है अभी बनाने के लिए। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ उसके बैक साइड में, रूम हॉल लिविंग एरिया और बेडरूम के बैक साइड में आपको लेके जा रही हूँ। वहाँ भी अगर सिटी में तो ये सब जगह कवर कर लेंगे, रूम बना लेंगे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा रखा ही नहीं है, हम कुछ भी बनाते हैं आप प्लानिंग से बनाते हैं। ये यहाँ का बैक का एरिया है, हॉल और बेडरूम का बैक का एरिया है,
और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक बाथरूम रखा हुआ है, रूम में एक अटैच बाथरूम है और यहाँ पे एक बाथरूम है। अभी यहाँ की एक खासियत ये है कि यहाँ जो बाथरूम है उसके अंदर जाके आप नहाते नहाते भी वो माउंटेन व्यू देख सकते हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए, चाय पीने के टाइम, बिस्तर से उठने के टाइम, खाने के टाइम और नहाने के टाइम पे भी आप माउंटेन देख सकते हो। और ये यहाँ सब पौधे लगे हुए हैं, सामने माउंटेन दिख रहा है आपको, मतलब हम आपको लेके जाएंगे टेरेस की ओर। अभी हम लोग लिविंग एरिया से पास होते टेरेस की ओर जाएंगे और टेरेस में जो दिखेगा आपको जन्नत दिखेगी, हैवान दिखेगा। भाई क्या नज़ारा है ऊपर, देख के ही आप लोग तो इतना खुश हो जाएंगे कि क्या बताएं। आप आ सकते हो मेरे साथ टेरेस पे, ये पूरा टेरेस का एरिया है यहाँ का। पूरे एरिया में गन्ने की खेती होती है यहाँ पे और उसके जो साइड में है सब मैंगो के ट्री लगे हुए हैं, पाम ट्री लगे हुए हैं, मैंगो के ट्री लगे हुए हैं। यहाँ आप देखोगे तो क्रिसमस ट्री, आपने कहीं देखा है इतना बड़ा क्रिसमस ट्री? देखो कितना बड़ा है ये, मतलब बारिश में ठंडे में पूरा गरम गरम पानी आता है, नहाने का मजा ही कुछ और आता है यहाँ गरम गरम पानी है। सामने ये बंगला दूसरा बंगला है हमारा, लेकिन उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है तो मैं वो ख़त्म होने के बाद आपको वो बंगले का पूरा रूम टूर करवाऊंगी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर टेरेस सब वहाँ पे लेके जाऊंगी। थोड़े दिन के बाद वो ख़त्म होने वाला है तब आपको वहाँ भी लेके जाऊंगी। और वहाँ से तो कुछ नज़ारा ही और है देखने का, वहाँ हमारे घर में जो भी आते हैं वहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो वो मैं आपके दिखाऊंगी। और वो जो बड़ा है सामने जो दिख रहा है वो योगासन करने के लिए बनाया हुआ है हम लोगों ने, वहाँ बैठ के जो शांति मिलती है। वो रिनोवेशन ख़त्म होने के बाद वो रूम में भी आपको लेके चलूंगी मैं प्रीति। ये सब ये बंगलों का आपको पूरा टूर करवाया, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। मेरी चैनल को लाइफ इन नेचर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हैं आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, इसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहे और मैं सब आपको ये जो नेचर है उसके करीब रखूँ, मैं खुद रहूँ आपको भी रखूँ, ये मेरी इच्छा है। तो आप ये ज़रूर पूरी करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।